हाय गाइस, दिस इज़ मधुसूदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोपीडिया। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि ट्रांसपेरेंट पीएनजीज कैसे बनाते हैं। पीएनजी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये जेपीजी जो फोटोज़ होते हैं, जैसे इमेज होते हैं, उन्हीं का एक प्रकार है। पर पीएनजी की खासियत ये होती है कि यह फ़ोटोज़ यानी कि जेपीजी जेपीईजी की तरह ये सिर्फ चौकोन नहीं होता, यानी कि चार कोनों वाला नहीं होता। ये राउंडेड, ट्रायंगुलर या जैसा चाहे आप वैसा हो सकता है, यानी कि इसे गोल या त्रिकोण जैसा भी चाहे आप इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप में कोई भी फोटो ओपन करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना है। कोई भी फोटो हो, आप उसे पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बैकग्राउंड में लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर मैजिक टूल क्लिक करना है और इसे जहाँ जहाँ से आपको काटना है वहाँ पर इसे क्लिक करते जाना है, ठीक है। अब पूरी तरह से इसे मार्क कर लेने के बाद आपको इस पोर्शन को डिलीट करना है, यानी कि जो पीछे जो बैकग्राउंड है उसे डिलीट करना है। इसके बाद ये सिर्फ मोबाइल ही बच जाएगा। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो चुका है। अब इसे सेव कैसे करना है? नॉर्मली अगर आप इसे सेव करेंगे तो ये पीएनजी फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। इसे यहाँ पर सेव फॉर वेब एंड डिवाइस ऑप्शन से इसे सेव करना है। अब यहाँ पर याद रखने वाली एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर मोबाइल के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह गायब हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये ट्रांसपेरेंसी पर टिक होना चाहिए, जैसे आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक होना चाहिए। अब इसके बाद इसे सेव कर देंगे, ये एकदम आसान है। और इसके बाद इसे सेव कर देंगे, कोई भी लोकेशन ले लें और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो अब आप इसे क्लोज करके देख सकते हैं। देखिए, मैं इसका फर्स्ट वाला जो फ़ोटो था, ये देखिए, ये अब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ये फर्स्ट वाला इसका फ़ोटो था, ये देखिए इसमें कोई मोबाइल वगैरह थे। और ये जो दूसरा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि अगर आप इसे कहीं लगाएंगे तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो साफ साफ दिखाई देगा। तो बस आपका पीएनजी तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय।